हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि दो ऐसी फिल्में जो एक ही नाम से बनी और दर्शकों के बीच पहुँची और उन फिल्मों ने गजब का पैसा कमाया, वो दो फिल्में कौन सी थीं, आज आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जबकि अमजद खान और निरूपा रॉय ने अमिताभ जी और शशि कपूर जी के माता पिता का रोल किया था, जबकि सुहाग जिसे दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये फिल्म करीब 5 करोड़ रुपए में बनी थी और ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 10 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, यानी कि जस्ट डबल। ये अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक कही जाती है। 1989 की सुहाग बेहतरीन सफलता के करीब 15 साल बाद डायरेक्टर कुक्कू कोहली ने नए कलाकारों के संग इसी टाइटल से नई फिल्म बनाई और संयोग देखिए कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन साबित हुई। इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला दर्शकों का इस फिल्म को। 90 के दशक की सुहाग की कामयाबी ने दो नए सितारों को सुपरस्टार बना दिया था। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, नगमा जैसे सितारों पर लोगों ने भर भर कर अपना प्यार बरसाया था, मेकर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिल्म इतना कमाल कर जाएगी। सुहाग 1994 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो बस 3 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनी थी और अपने बजट से 4 गुना कमाई की थी। इसने देश भर में 12 करोड़ और दुनिया भर में 16.14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। भाई, मुझे तो ये दोनों ही फिल्में अच्छी लगी और दोनों फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छा गाना जो मुझे सुहाग फिल्म का लगा, जो अमिताभ बच्चन जी वाली थी, वो मुझे लगा था मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। और इसका एक गाना और था तेरी रब ने बना दी जोड़ी तेरी रब ने, ये दोनों गाने मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मेरा मतलब तू फिकर मत कर, मैं अभी तेरा पपलू फिट करके आया, जब तक तू ये याद कर, समझा? लेकिन तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना, वहां कभी ना इंसान है, कैसे मुंह लटकाए खड़ा है जैसे कि बरसाती कबूतर। अब देखना आएगा और यही कहेगा मुझे माफ कर दो मधु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, यही बकवास करने वाला है वो, 100 जूते खींच कर मारना। अच्छा मैं चलता हूं, ऑल द बेस्ट। पढ़ लिया? हाँ, बोलो क्या? अबे इधर नहीं उधर, और पूरे इमोशंस के साथ तेरी फील्डिंग कर दी। अच्छा जाऊं? जा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा सॉन्ग लगभग सभी ने सुना है, वो बहुत प्यारा सॉन्ग था। और दूसरा गाना जो था इसमें, वाह वाह ये नखरा लड़की का तौबा, ये नखरा लड़की का, ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने ये दोनों फिल्में देखी हैं या नहीं देखी हैं। अगर देखी हैं तो आपको कैसी लगी, नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।